एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और गाइस हम यहाँ मंदिर आए हुए हैं और यहाँ काम भी चल रहा है, चल रहे हैं। देखो ये रास्ता है ऐसा, डाउन को जा रहे हैं और काफी दूर है। लगाई तो दवाई ठीक होने को हो गया था। अच्छा अब तो इससे वो बनने लगा लेदर। अब देखना गाइस यहाँ पे कैक्टस भी लगे हुए हैं और अब हम चल रहे हैं, अब आपको दर्शन कराएंगे। और ये दो नदियों का संगम है, तो ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ तो नहीं हैं, लेकिन ये नदियाँ यहीं की हैं, गांव की लोकल ही नदियों का संगम है। लेकिन मंदिर की मान्यता बहुत है। ये मुक्ति धाम है। अच्छा ये मुक्ति धाम भी कहा जाता है इसे। और गाइस ये उतर रहे हैं, पैरों में भी दर्द हो रहा है लेकिन कोशिश बहुत जारी है इनकी। चल रहे हैं ये सिर पे पल्लू रख के, और कुछ तो सिर पे पल्लू के लिए लाई भी नहीं है धूप की वजह से। अच्छा धूप की वजह से रहे, मैं सोचिए यही थोड़ा सम्मान दे रहे हैं, ये सम्मान नहीं दे रहे हैं, धूप की वजह से बच रहे हैं। अच्छा मन में है, अच्छा ठीक है। और ये वीडियो बना रही है, वीडियो के चक्कर में ना थोड़ा अपना भी ध्यान रखें सोनू। हाँ ध्यान रखें चलने का, और क्या थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन बहुत अलग है, हाँ पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। और जैसा बहुत ही प्राचीन मंदिर लग रहा है ना ये, बहुत पुराना होगा ये। हाँ पड़ेगा दिखाने, कोशिश तो करेंगे आपको सबको। और साथ में ये हरियाली भी, और आपको आगे बकरियां भी दिखाएंगे। ये मेरे फूल लगा दिया है, और ये शनि देव मंदिर भी है आगे। और देखो यहाँ मतलब चिताएं भी जलाई जाती हैं, मुक्ति मिलती है यहाँ करने से, मोक्ष मिलता है। और देखो छोटे 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 से देखिए, और ये मैम्मे है मेरा, बाबू वाह कैसे लग रहे हो जो। यस गाइस देखिए इनको देखिए। और अब हम नदी में से जाएंगे, पार करने पड़ेगा, थोड़ा बहुत संकरी रास्ता है और थोड़ी मुश्किल भी हो रही है, लेकिन जब मुश्किल और कठिनाइयों को पार करेंगे जब ही कुछ फल मिलता है, अन्यथा कुछ फल नहीं मिलता है। आपको थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा जब ही आपको कुछ मिलेगा। देखिए इस तरह से ये पार करना है, ये पार कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, सब ध्यान से करें। और ये ऐसे पार करके उस मंदिर में, बहुत ही प्राचीन मंदिर लग रहा है, कोशिश करेंगे जाने की। और रास्ता पता नहीं कैसे कैसे रास्ता है, आइए चलते हैं। और गाइस देखो ये पार करना है, पार करते हुए नहीं बना पाऊंगी मैं, ठीक है। अब यहाँ पहुँचने वाले हैं, पहुँचेंगे, पार कर रहे हैं कुछ लोग, पार कर रहे हैं, मैं पार कर गया, मैंने वीडियो नहीं बनाई नहीं तो मैं ही पार हो जाती। अरे आइए आइए, क्या हुआ तन्नू, तन्नू करवाइये, अरे उसको पार करवाओ। प्राचीन आइए 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 आइए। और देखिए इस तरफ का बहुत सुंदर मंदिर है, और आसपास का नजारा देखो। और ये ओम शिव शिवाय नमो, ओम शिव शिवाय नमो।
कौन सा मंदिर है भैया? ये भोलेनाथ का, भोलेनाथ का मंदिर है ये, मुक्ति धाम है क्या ये? कपिलेश्वर, अच्छा वो नेपाल का है वो मंदिर। लेते हैं थोड़ा पकड़ के, एक बार मैच कर लीजिए आप, मैं थोड़ा सा ऊपर, एक घंटा लगेगा? घंटा घंटा जय श्री ओंकार, जय श्री ओंकार, रोटी का भी लगाओ, श्री वरदांगी धारा, जय श्री ओ, इसमें है जरा तुरंत, हां बाबा देखो, श्री वरदान राजे हसन गुणा विश्वान साजे, जय श्री ओंकार, लेके चला दिया जो आपको सुनाया मन था, पार्वती पते सर्वदीप्शंभु, रोज आते हो आप इधर, हां चलो ऊपर चलाओ, हां दोनों ऊपर बाल्टी देना पंडित जी, बाल्टी दे देना, ये है पानी, ये पानी इसमें सर, ये तो सही इसमें है, हो जाता है, हो जाएगा सबका, अभी है उसमें हो जाएगा, थोड़ा ही कर लो, थोड़ा कर लो, अब रास्ते से जो चढ़ा लेंगे जरा, चलो तन्नु गाई जी से, सत्तर हो गए, 68 अभी तो बहुत है, 68 क्या, दोनों हाथों से पकड़ के बेटे, हमें भी नहीं, नहीं उसी की मान्यता ना मत बोलने का, लो क्या अंशु आ जा बेटा, आ जा सचिव, अभी वहां गई बाहर, चढ़ा ले तुमने, और ये पता नहीं क्या बना हुआ है ये, हाँ बहुत सुंदर लग रहा है ना, ऐसे ये दो नदी है, मतलब एक इधर से आ रही है, ये कौन कौन सी नदी है भैया पता है किसी को, हैं कौन सी है, कौन नदी कौन कौन सी है जो संगम है जिनका, ये अच्छा नहीं पता, अच्छी लग रही है, अच्छा बहुत सुंदर लग, हम बहुत सुंदर लग रहे हो, मतलब जरूरी पहनते हैं आपके यहाँ, ये इतनी बड़ी नथ उन्होंने पहनी है दिल्ली से, अच्छा लग रहा है ना, चलो चलो ये हवन का है, हवन जी कर रहे हैं, ये कपिलेश्वर यही तो है, कपिलेश्वर ये है, वो तो शिव जी हैं, ये कपिलेश्वर है, आज की जय, कौन से जय, बटिक महाराज की, बटिक महाराज की जय, मतलब किस लिए यहाँ शिवलिंग पे हुए थे स्थापित, किसने किए थे, ये तो शिव जी हैं, देखिए आइए अब दर्शन हो गए है ना, आइए 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 आइए, सब उतरिए आ जाइए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा, और जो ये मंदिर है कितना अच्छा लग रहा है ना, और ये है मंदिर कपिलेश्वर महादेव मंदिर, प्रसाद पंडित जी बेटा कितनी बार चढ़ाना है, 108 यहाँ से ले लेके शिवलिंग को, जब जनेऊ होता है तब, अच्छा अपनी श्रद्धा से कोई मनोकामना पूर्ण हुई, अच्छी बात है, यहाँ हाँ बोलिए कैसा, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ
हाँ पर प्रभु की कृपा रही और हम यहाँ तक आ गए। पर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, चल लेते हुए है ना। चले चलिए चलिए आप, और थोड़ा सा हम भी अपने हैं गाइस। अब हम चलेंगे जैसे हम आए थे। तनु पहले अपने आप को देख लो, औरों को तो जब पार करवाओगे तुम देखिए ये ना। चलो देखो कैसे पैर रखे जाना पड़ रहा है, ये है ना। आ गई और गाइस हमने अचीव कर लिया है और हम आ गए हैं इसको पार करके। बहुत अच्छे दर्शन हुए, मन को बहुत शांति मिली। तो गाइस देखिए ये डॉगी भी पार करके आ रहा, अब बन गई। ये फूलों की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता है ना, कितनी सुंदर लग रही है। गाइस यहाँ कुछ बन रहा है, शायद पिलर वगैरह बन रहा है, गेट, और यहाँ से ऐसे दिखाई देता है। ये लोग बना रहे और गाइस अभी हमने आपको दर्शन दिखाए हैं कपिलेश्वर के, और साथ में हमने आपको ये भी दिखाया कि वहाँ जनेऊ भी हो रहा था और सांस चढ़ रहा है गाइस, और मतलब चढ़ाई है, और साथ में आपको जो पहाड़ी लोग होते हैं वो भी दिखाए कि जो नथ पहने हुए थे, और साथ में वो लड़की 108 बार मटके ला रही थी वो भी दिखाया। बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस आपको दिखाने के लिए भी है, और जो न्यू आ रहे हैं चैनल पे वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए गाइस, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।